हेलो दोस्तों, मोबाइल ट्रिक सपोर्ट चैनल पर आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि हमारा लिस्ट पर नाम तो आ चुका है लेकिन हमको जो इंस्टॉलमेंट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे पता चले। क्योंकि बहुत सारा टाइम में ऐसा होता है आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसमें आके पैसा घुस जाता है लेकिन आपको कोई प्रूफ नहीं मिलता है, कोई मैसेज आपके फ़ोन पर नहीं जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होता है, कोई कोई टाइम सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है या तो आपका मोबाइल की नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम होगा तो आपका मैसेज नहीं मिलेगा। तो आप कैसे पता करें कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप कैसे पता कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको भी इसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है कि आपको इंस्टॉलमेंट चेक करने में मुश्किल हो रहा है, या तो प्रधानमंत्री आवास योजना की आपकी गांव का किसी का भी इंस्टॉलमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको कितना इंस्टॉलमेंट मिला है आप ये चेक कर सकते हैं, और उसको कौन सा डेट में इंस्टॉलमेंट मिला है और उसको कितना मिला है उसका घर का पूरा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपको उसका घर का काम कितना तक हुआ है, कंप्लीट हो गया या नहीं। पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको ये सब जानना है तो मेरे साथ बने रहे और वीडियो को प्लीज़ एंड तक का देखते रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक आपने इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस घंटी को बजा दीजिए और आने वाली नई वीडियो की मज़ा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है PMAYG, उसके बाद में लिखना है आपको लिस्ट। ठीक है, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कर देंगे तो उसके बाद में आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। और ये वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो थोड़ा टाइम के लिए मैं वीडियो को स्किप कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह का, जैसे कि सबसे ऊपर में आपको रखना है 2019-2020। ठीक है, और इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और फिर आपका ब्लॉक सिलेक्ट करना है, फिर आपका GP सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसका डिटेल्स वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, क्योंकि मैं लिस्ट को कैसे चेक करना है उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो इस तरह का आपको सिलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है, तो आपका जो भी लिस्ट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये लिस्ट देखने के बाद में आप कैसे वो इंस्टॉलमेंट को चेक करेंगे उसका मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ अभी आपको। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो दोस्तों देख पा रही यहाँ पर लिस्ट आ चुका है, पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मैं लिस्ट को चेक कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी का भी इंस्टॉलमेंट चेक करने के लिए उसका खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, अब जिसका भी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं उसका जो यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरह का, तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इस बेनिफिशियरी का मैं डिटेल्स चेक करना चाहता हूँ, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर में आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा थ्री लाइन, तो आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेक फोल्डर्स। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा IAY PMAYG बेनिफिशियरी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि मैं जो भी कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रही ये जो बेनिफिशियरी है उसका पूरी डिटेल्स हमारे सामने खोल के आ चुका है, और पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं फ़िलहाल आपको दिखाऊंगा उसको कितना इंस्टॉलमेंट मिला है ये दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सिर्फ वन यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि एक ही इंस्टॉलमेंट उसको मिला है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 2019-2020 का, मतलब ये तो ये नई लिस्ट का है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है 2019-2020, और यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है 32,500 रुपया मिला है ये बेनिफिशियरी को।
और यहाँ पर डेट देखने को मिलेगा 3/9/2019 में ही उसका अकाउंट पर आके पैसा घुसा है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर देख पा रही है सेम टू सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों डेट भी देख पाएंगे और यहाँ पर अपनी घर का जो फोटो है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से इसी तरह बहुत ही आसानी से अपना इंस्टॉलमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके अकाउंट पर पैसा घुस रहा है या नहीं घुस रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकती हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों का ये पता नहीं कि किस तरह उसको चेक किया जाता, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स दिखाया। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी आप चेक कर पाएंगे कौन सा बैंक अकाउंट पर अपना अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो बेनिफिशियरी है उसका इलाहाबाद अकाउंट है। तो इसी तरह आप बहुत ही आसानी से अपना जो इंस्टॉलमेंट है आपके खाते में पैसा आके घुस रहा है या नहीं घुस रहा है आप चेक कर सकती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में इस घंटी को बजा देना और आपकी दिल की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों को कमेंट बॉक्स पर सजा देना। तो दोस्तों फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, होगी कुछ नई नई बात। चलता हूँ, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।